सकता हूँ कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा ऐसे सिस्टम से डील करना। ज्यादा कि ध्रुव भाई हमारे कभी स्टोरी पे पोक करते हैं, कभी वीडियो में, कभी ट्वीट में, कभी किसी। ध्रुव भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो, जो कि आप देख रहे हो, इतना पैसा है ना कि मतलब मैं बताऊँ ना, टीवी इंडस्ट्री पे भी लोग इतना नहीं कमाते होंगे सीरियल्स करके। पुनीत भाई ठीक हो? बट ये जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना, तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे परिवार में किसी साथ होगी जब तुम्हें पता चलेगा। तो वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो फर्स्ट अपडेट ध्रुव राठी के बारे में, ध्रुव राठी ने नीड स्कैम पर वीडियो डाल दिया है, लेकिन एक वजह से उनको कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं। वो यह क्लिप है जिसमें उन्होंने वीडियो के एंड में अपने यूट्यूब कोर्स को खरीदने के लिए कहा, तो उसी पे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। मत खोना, 2022 में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी इस एजुकेशन सिस्टम से निराश होकर। मैं समझ सकता हूँ कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा ऐसे सिस्टम से डील करना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी याद रखिए कि एक एग्जाम सब कुछ नहीं होता, एक एग्जाम आपकी जिंदगी तय नहीं करता। इसलिए अपना हौसला कभी मत खोना। अब चाहे तो मेरी जिंदगी की कहानी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मैंने किसी भी ऐसे एग्जाम को टॉप नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कामयाब नहीं बन पाया जिंदगी में। YouTube Blueprint कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कूपन कोड है Student45। तो नेक्स्ट अपडेट है थगेस के बारे में। तो थगेस का एक पॉडकास्ट आया जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजों पे बात की, जिसमें उन्होंने बताया जब उन्होंने रजत दलाल के साथ स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी की थी, तब रजत दलाल की स्टोरीज पर 2 से 2.5 मिलियन व्यूज आ गए थे एंड उनकी स्टोरीज पर 1.5 मिलियन व्यूज आ गए। एंड साथ ही वो बताया कि कंट्रोवर्सी के टाइम उनको बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के फोन आने लगे। रजत का और राजवीर का लफड़ा हो रहा था, मैं विदेश था भाई, मैं यूरोप तक घूम रहा था, मैं स्कीइंग कर रहा था। मैं कह रहा हूँ भाई आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, पता नहीं क्यों मजा आता है भाई। मुझे रजत ने बताया था स्टोरी व्यूज उसके, हाँ 1.5 मिलियन मेरे को दिखाया उसने, स्टोरी व्यूज 1.5 मिलियन आ रहे थे। क्या बात भाई, जब रजत और मैंने स्क्रिप्टेड किया ना, मेरे 1.5 मिलियन हो गए थे, उसके 2.5 मिलियन स्टोरी व्यूज। मैंने तो ये लाइफ में नहीं देखा कभी, पता है भाई वो सीन क्रेजी था। मेरे को इतने बड़े लोगों के कॉल आ रहे हैं, किसके हो गया तेरे को, मतलब वहाँ के मेरे स्कूल के जो भी फ्रेंड, उनके पॉलिटिशियन बाप ये वो, हाँ। क्या हो गया, क्यों हाथ जोड़ रहा है, आने दे उसको, सॉरी वॉरी क्या बोल रहा है दादा, आईका सकाय ना है स्क्रिप्टेड है क्या, तू भी स्क्रिप्टेड मेरे पे भड़कने लगे, ये सब क्या करता रहता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, फरीदाबाद में रजत को कॉल कर दे, आने दे साले को, मैं बताता हूँ उसे साले, उसको उठा लेंगे गाड़ी में, क्योंकि भाई फरीदाबाद की ना वाइब ही वही है, वाइब वही है। एंड थगेस ने बताया कि यूट्यूबर्स कितना कमा रहे हैं, इसके रिलेटेड भी उन्होंने बात की। यहाँ पे ब्रांड्स है इतने, इतना पैसा है ना कि मतलब मैं बताऊँ ना, टीवी इंडस्ट्री पे भी लोग इतना नहीं कमाते होंगे सीरियल्स करके। भाई कितना पैसा है, बहुत है भाई आपको बताओ। नहीं भाई, पहले आप भाई, पहले आप बड़े क्रिएटर आप हो भाई। भाई करोड़ों कमाते महीने के लोग, मैं नहीं। भाई की, अब भाई की यहां से झूठ टपक रहा है। भाई मैं करोड़ कमाता तो क्या चाहिए होता, करोड़ कमाते छोड़ देते काम, मौज करनी शुरू कर देते। नहीं भाई कभी तो छोड़ोगे काम, मौज करने कभी तो छोड़ूंगा, बट अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि और बहुत करना है। तो नेक्स्ट अपडेट है पूर्व झा के बारे में। तो पूर्व झा को आप जानते ही हैं, तो पूर्व झा ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो लाने वाले हैं। पूर्व झा पेरोडी वीडियोस बनाते हैं, तो इस बार वो ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो लाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए सूरज को झुका दूंगा। पुराने समय में जब कवियों ने यह पंक्तियां लिखी थी, तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में उनके इन्हीं पंक्तियों का ओवरडोज कर समाज में एक ऐसी कम्युनिटी का जन्म होगा जो कि लॉजिक की कब्र खोद कर उसी पर फेकनेस का झंडा लहराएगी। तो इस वीडियो के बाद उनका काफी अच्छा रिस्पांस मिला, उस पे उन्होंने बताया कि उनका कल वीडियो आ जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट है ज्ञान गेमिंग एंड पीपोय के बारे में। तो ज्ञान गेमिंग के बारे में आपको बताई होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उन्होंने एक वीडियो डाला है जस्टिस को लेकर, उनको अभी स्पोर्ट की जरूरत है ताकि उनको जस्टिस मिल सके। तो उसी पे पीपोय ने भी एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजों पे बात की। उत्तर प्रदेश में नहीं, बहुत सारे स्टेट में इट्स क्वाइट क्लियर कि चाहे मेडिको लीगल केस हो, पर अगर इमरजेंसी आपको ट्रीटमेंट करना है तो आप रिफ्रेन नहीं करेंगे। बट कुछ हॉस्पिटल्स, बिकॉज उनपे कोई भी ब्लेम ना है, तो वो तब भी वो चीजें करते हैं कि पुलिस ऑफिशियल्स आ जाएं, वो डिसीजन ले लें, सिग्नेचर्स उनको मिल जाएं, जबकि इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए था, उसका पैर बचाया जा सकता था शायद, हु नोस, पर बिकॉज ऑफ द डिले उसने अपना पैर खो दिया। और इस चीज की तहकीकात होनी चाहिए कि यहाँ क्या किसकी गलती है, क्या यहाँ हॉस्पिटल की गलती थी या नहीं। लखनऊ के पास जाए हादसा हुआ, क्या उस हाईवे पे इमरजेंसी रिस्पांस टीम थी आसपास? और क्या अगर ये इमरजेंसी रिस्पांस टीम पूरे देश में नहीं है हाईवे पे, तो क्या ये नहीं होनी चाहिए? इस बारे में मैं चाहता हूँ हम अपना ध्यान कीजिए। तो नेक्स्ट अपडेट है पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो क्या पुनीत सुपरस्टार को हत्या किया गया और उनकी हालत सीरियस है, क्योंकि ताराबाई जोगिंदर ने इसके रिलेटेड रील डाली है जिसमें उन्होंने बताया है। और आज है ना, मेरे को सच में रोना आ रहा है कि क्या बताऊ, ये वही बंदा है जो आप लोगों को हंसाता था, जो कीचड़ों में सोता था, आज इनकी हालत देख रहा है।
अभी ये 3 घंटे से रेगुलर एम्बुलेंस के अंदर है। अपने सारे यार दोस्तों को बुला लिया और आप टाइम देख रहे हो, रात के 12 बज रहे हैं। क्या बीत है इनके मम्मी के दिल पे। हिंदुस्तान के भाइयों, आज आज आप लोग की सपोर्ट चाहिए, बस आज मैं चाहता हूँ। एंड इसके बाद जो लोग उनको फेक बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये पब्लिसिटी स्टंट है, तो उसी पे भी जोगिंदर ने रिप्लाई किया। तुम्हारे साथ पता नहीं मिट्टी था और पता नहीं एक और था। अभी फिलहाल ठीक हो ना तुम? ठीक। वैसे आंटी से मेरी बात हो गई, सब ठीक है। बट ये जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना, तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ। ये सिचुएशन जब तुम्हारे साथ होगी ना, जब तुम्हारे परिवार में किसी के साथ होगी, जब तुम्हें पता चलेगा कि बीमारी क्या होती है। ये भाई है मेरा, अगर इनको आँच आ गई ना, पूरा सोशल मीडिया हैंग कर दूंगा अकेला। तो नेक्स्ट अपडेट है एल्विश यादव और ध्रुव राठी के बारे में। तो एल्विश यादव ने ध्रुव राठी से ये सीरियस रिक्वेस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि ध्रुव राठी बार बार मुझे पोक करता है, पर्सनल अटैक करता है मेरे ऊपर, लेकिन कभी भी मेरे बताए हुए फैक्ट्स का रिप्लाई नहीं करता है, ना ही वो इसे काउंटर कर पाता है। देख रहा था कि ध्रुव भाई हमारे कभी स्टोरी पे पोक करते हैं, कभी वीडियो में, कभी ट्वीट में, कभी किसी चीज में पोक करते हैं, काउंटर का है। ध्रुव भाई ने एक चीज का भी मेरा रिप्लाई नहीं करा। फैक्चुअली इतनी सारी चीज़ें मैंने बोली थी कि जिन जिन से कनेक्शन थे हमारे भाई साहब के, एक चीज़ का सिंगल रिप्लाई नहीं दिया गया अब तक। देख ली होगी ना खूब वीडियो, खूब ट्रिगर भी हो रखा भाई। जब एक इंसान ट्रिगर होता ना, जब जवाब नहीं होता कि यार कैसे जवाब दें, तो वो पर्सनल जाता है। या तुम ब्रो, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं पर्सनल लेवल पे। बात चल रही थी सही गलत थी, अगर तुम पे सही चीज़ें हैं कि फैक्चुअली आप अपने आप को सही प्रूव कर सकते हो, सो प्लीज़ प्रूव करना। अगर आपके बस की नहीं है तो मैं वेलकम करता हूँ अपने ऊपर पर्सनल अटैक्स। मुझे गलत सलत बोलना है, कुछ भी बोल सकते हो भाई, यहाँ सोशल मीडिया है। ध्रुव भाई, ध्रुव राठी इस टाइम जोकर बन गया, जोकर, समझ रहे हो, अपनी हरकतों की वजह से जोकर बन रहा है, खुद से जो कर रहा है ना। और इसके अलावा एल्विश यादव ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाया था कि अब तक पीएम मोदी वाराणसी से सेकंड लोएस्ट मार्जिन से जीतने वाले पीएम हैं। 57 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, जीत का मार्जिन 29,000 वोट्स, इलेक्शन ईयर 1962 और फिर से जीत का मार्जिन 64,000 वोट्स। तो सच तो ये है कि राजीव गांधी को छोड़कर आज तक कांग्रेस के सभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की जीत का मार्जिन 1.5 लाख से हमेशा कम रहा है, और इसी खौफ की वजह से पिछले 28 सालों में कांग्रेस के किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। तो उसी पे एल्विश यादव ने शेयर करते हुए कहा, एजुकेशन ही कह दे, तो उसी पर ध्रुव राठी ने रिप्लाई करते हुए कहा, परसेंटेज क्लास 7 में पढ़ाई जाती है, लेकिन जो लोग टीचर्स की रिस्पेक्ट करने के बजाय टीचर्स को सेट करने में लगे हों, वो ऐसे ही अनपढ़ रह जाते हैं। तो इसके बाद एल्विश यादव ने रिप्लाई करते हुए कहा, मार्जिन ऑफ विक्ट्री परसेंटेज के आर्टिकल को विक्ट्री मार्जिन बोल के परोस देता हूं, किसी को क्या ही पता चलेगा। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।